श्रावस्ती में तेज रफ्तार का कहर, भीषण सड़क दुर्घटना में दो लोगों की मौत, मचा हड़कंप। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में उस समय हड़कंप मच गया जब तेज रफ्तार के चलते एक अज्ञात वाहन ने बाइक को रौंद दिया, जिससे मौके पर ही एक बाइक सवार व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दूसरे की अस्पताल पहुंचते पहुंचते व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। हालांकि पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई करते हुए दोनों शवों को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए तीसरे व्यक्ति जो कि उसी बाइक पर सवार था उसे मामूली चोटें आईं। दरअसल पूरा मामला श्रावस्ती जनपद के थाना मल्लीपुर क्षेत्र के ग्राम पंचायत हरिहरपुर महाराज नगर के पास स्थित मल्लीपुर और बहराइच मार्ग का है, जहां पर एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जिसमें बाइक सवार तीन लोगों में से दो की मौत हो गई, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया। पूरा मामला मल्लीपुर क्षेत्र के ग्राम पंचायत हरिहरपुर महाराज नगर के पास बहराइच मल्लीपुर मार्ग का है, जहां पर मजदूरी करके घर वापस लौट रहे बाइक सवारों को अज्ञात वाहन ने रौंद दिया, जिससे एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को पुलिस ने तत्काल CSC भिजवाया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे भी मृत घोषित कर दिया, जिससे मौके पर पहुंचे परिजनों में कोहराम मच गया। जानकारी के मुताबिक मल्लीपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत अशरफ नगर की मजरा सुल्तान जोत के रहने वाले 22 वर्षीय पिंटू पुत्र बुधसागर गांव के ही 25 वर्षीय राकेश कुमार पुत्र गोली एवं 30 वर्षीय छोटकाऊ पुत्र कुआरी के साथ एक ही बाइक से मिर्जापुर की तरफ मजदूरी करने रोज आते थे। शनिवार देर शाम को भी ये सभी लोग मजदूरी करके वापस घर लौट रहे थे। जैसे ही ये हरिहरपुर महाराज नगर गांव के पास पहुंचते हैं कि सामने से एक तेज अज्ञात वाहन ने इन सभी को आकर रौंद दिया, जिससे पिंटू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि राकेश कुमार की हालत गंभीर थी, जिसे राहगीरों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने तत्काल घायल व्यक्ति राकेश को एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मल्लीपुर ले जाकर भर्ती कराया, जहां पर उसकी भी डॉक्टरों ने मौत घोषित कर दी, जबकि बाइक सवार तीसरा व्यक्ति छोटकाऊ जिसको मामूली चोटें आई थी वह इस घटना के बाद मौके से फरार हो गया था। बताया जा रहा है कि हादसे के दौरान बाइक सवार नशे में धुत थे। फिलहाल पुलिस ने मृतकों के परिजनों को सूचना देकर दोनों की शवों को कब्जे में लेकर परिवार के सामने पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। जो राहगीर थे, जो स्थानीय लोग थे, वो ये बता रहे हैं कि बाइक अनियंत्रित थी, तेज रफ्तार में थी और सामने से भी तेज रफ्तार में अज्ञात जो फोर व्हीलर वाहन आ रही थी और ये बाइक सवार नीचे नहीं उतार सके, बीच सड़क पर ही सीधे जाकर अज्ञात वाहन से टकरा गया और फिर वाहन इन्हें रौंदते हुए आगे बढ़ गई। अज्ञात वाहन मौके से तुरंत रात्रि का अंधेरा उठाते हुए मौके से फरार हो गया, जबकि बाकी जो वहां पर राहगीर निकल रहे थे उन लोगों ने किसी तरह इनकी जब चीख पुकार सुनी, क्योंकि एक की मौके पर तुरंत मौत हो गई थी, दूसरा व्यक्ति करा रहा था, तुरंत ही इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी। सूचना पाकर दलबल के साथ मल्लीपुर थाना प्रभारी निरीक्षक व अन्य पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और एम्बुलेंस को सूचना दी। मौके पर पहुंची एम्बुलेंस ने तुरंत ही घायल व्यक्ति को लाकर CSC मल्लीपुर में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों ने जब देखा तो वो दम तोड़ चुका था। तुरंत ही पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और परिजनों को सूचना दी। मौके पर पहुंचे परिजनों के सामने ही पुलिस ने दोनों शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि इन दोनों व्यक्तियों के साथ एक व्यक्ति छोटकाऊ नाम का भी था, जिनको जब ये घटना हुई तो वो इतना डरा हुआ था कि इन लोगों को छोड़कर वो भाग खड़ा हुआ है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और आप ये वीडियो अगर Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।